हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निधि और आपके लिए लेके आ गई हूँ नया मीम्स वीडियो। हाँ जी, क्योंकि इनके चैनल मुझे बड़ा पसंद है, तो जब मुझे मज़ा आएगा तो आपको भी मज़ा आएगा मीम्स देख के। उल्टा कुछ मत ले जाना, ठीक है? तो मीम हब का चैनल है ये, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं और साथ में मज़े लेते हैं। शासन प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए डिस्क्लेमर दे रहे हैं। निवेदन करना चाहूंगा, कोई चैनल ना बदले। इस शो के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक बिल्कुल नहीं। अगर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना से कोई संबंध निकलता है तो याद रखना चाचा विधायक हैं हमारे। इस शो को देखकर सिर्फ मुस्कुराइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो आओ कभी आओ कभी। अच्छा, मोहब्बत हो गई है? ओह, हमसे हो गई है? अच्छा, जिंदगी लेनी है हमारी? नहीं, गांड दे दे। फाइनली बेटे, वर्जन से ना अनवर्जन होने वाला है तू। अच्छा, मुझे नहीं तुझे नोटिस कर रही हो। ले तो मैं क्या करूं अब? अच्छा बताओ, कितने इंच का है तुम्हारा? मतलब? अच्छा, तुम नहीं समझे? छोटा पप्पू, तुम्हारी मिसाइल तो मैं क्या करूँ, क्या मुँह दिखाऊंगी मैं अपने घर वालों को? तुम्हें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वरना भरे समाज में हमारी इज्जत उछल जाएगी। हमारे साथ जो धोखा हुआ उसका क्या करें? ऐसे बैठे रहे हाथ पे हाथ धर के। तो क्या हुआ? हा? मैं तेरे पति के साथ सोई, तू मेरे पति के साथ सो जा। मैं तो बस हमारे समाधान बता रही थी ताकि मन शांत हो जाए। अब चलो, जैसे तुम्हारे भाई ने उसकी ली थी ना, अब तुम मेरे भी वैसे ही लोगे। Hey, Yaakov, look at this. फिर जाएं, मन को शांत करें, और यदि नहीं आता शांत करना तो आप गलत जगह आए हैं, क्योंकि आज आपके मन की चुदाई होगी। अच्छा। जिसे अंग्रेजी में माइंड फक कहा जाता है। अभी आपको स्क्रीन पे वार्निंग दिखाई दे रही होगी, इसे हल्के में ना लें। जो लिखा है वह करें। लगता है टाइमर अटक गया दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, इसका इलाज हमें पता है। थोर के पास हथौड़ा है, टाइमर बहन का लौड़ा है। चल गया, चली जाएं। आय हाय, यह फिर अटक गया। इसकी माँ का भोसड़ा इसे भूल जाएं। क्यों ना आपको मोनालिसा पेंटिंग से जुड़ा एक ऐसा राज बताया जाए जिसे शायद ही कोई जानता होगा। क्या आप जानते हैं, मोनालिसा की छोटी बहन रंडी रोनालिसा ने जलन के मारे खुद की पेंटिंग भी बनवाई थी। सालों बीत गए, कहा जाता है बनाने वाले ने अपने दोनों हाथ अपनी गांड में ले लिए और कसम खा ली कि मरते दम तक यह हाथ बाहर नहीं निकालूंगा, ताकि इतनी भद्दी पेंटिंग दोबारा ना बन जाए। आज हम आपको वह पेंटिंग दिखाने जा रहे हैं। तो क्या आप हैं? टाइमर चल गया दोस्तों। मोनालिसा की माँ का रंडी रोनालिसा, सिर्फ 2 सेकंड्स बचे हैं, चले जाएं। हद कर दी दोस्तों। कमेंट्स में खुल के टाइमर की बेइज्जती करें, पूरी वीडियो। Excuse me sir. Yes. But what would happen if for some reason we ignore somebody and lock 100% of the cerebral capacity? 100%? Yes. कैसा लगा चोरी करने बाद? चोरी करने में तो अच्छा लगा, लेकिन बाद में पछतावा हुआ सर। आज पछतावा हुआ क्यों? कि गलत काम कर दिया। ऐसा मिला कितना तुमको चोरी का बाद? मिलेगा 10,000। 10,000? क्या केस 10,000 का? गरीब लोगों को बांट दिया सर। गरीब लोग का बांट दिया कहाँ पे? गाय कुत्ता जिसको ठंड वंड लगता है अभी। हाँ, हाजी लोगों से पड़े रहते हैं। कम्बल कम्बल जो भी कम्बल वम्बल सब बांटे, ऐसा सब चीज उसी में लगा। ऐसा क्या अल्लाह का कुछ मिला होगा तुमको आशीर्वाद? नाम बताओ, नाम क्या दे रहा? एडवोकेट जगीरा।
एडवोकेट जकी बेटा तो 2 महीने से राशन लेना आया, तेरा नाम कट गया। ना, नाम कैसे कट जाएगा, अंगूठा भी लग पाया मुझसे तो पहले। यार नाम मत काटो, थोड़े बहुत चावल तो दे ही दो यार, रात का जुगाड़ हो जा। वह लक क्यों है ऐसे, हमारे बाप की जागीर थोड़ी ना, एक एक चावल का हिसाब देना पड़ता, सरकारी काम है ये। रुको जरा, सबर करो। एक्सक्यूज मी, मैंने 5 किलो की जगह 10 किलो चावल ले लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे मेरी जान, तो पूरी बोरी ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे तो दे दिए यार तुमने, हमें ना दे सकते थोड़ा बहुत फालतू। वो मुझे गाड़ देवे, तू दे लग, तुझे लिए मानगी ना, बंक के लिए मानगी। बंक का मतलब क्या होता है? यही तो होता है सीधी बात, घूमना थोड़ी होता है। इस सच्चा खाना तो मेरी मम्मी बना के खाती है। A few moments later. रानू मंटल, तू ये क्या है? ये तुम्हारा स्कूल चल रहा है क्या? तेरी बहन जो कैसे बोल रहा तुझे रानू, तेरा नाम कैसे जानता है बताइए मेरे को। ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दुनिया का झोल समझ के लौड़े। Hey, y'all, come look at this. उसके पेपर खत्म हो गया भाई, अब रिजल्ट आने से पहले रिश्तेदार आ जाएंगे। ये पूरे साल बैठ के इंतजार करते हैं किसका पेपर खत्म हो, उसके घर जाके अपनी गाड़ पसारू। अरे बेटा, रिजल्ट आ गया बेटा, अरे तेरे नंबर आ गए, अब क्या करूंगा, तेरी मां छोड़ूंगा बैठ के लौड़े। अबे मेरा रिजल्ट मेरे नंबर में, जो मर्जी करूं, तू है कौन साले टट्टा है, तू छोटा टट्टा। पढ़ाई मैं करूं, नंबर मेरे आए, गाड़ तेरी चल रही, काहे को चल रही है साले, जितने मर्जी नंबर आए पास हो फेल हो, तेरे को क्या लौड़े, तेरे को क्या। आराम से भाई, पेपर शुरू होने से पहले चालू करते हैं। अरे बेटा, इस साल बोले, अरे बेटा, ये एकदम मन खुश कर देता है। तेरे को क्या साले, तू पैसे लगा मेरी पढ़ाई में, बाप के मेरा बैठ के लिंडे। अरे इतनी टेंशन तो मेरे को खुद की पढ़ाई की नहीं होती, जितनी टेंशन तू लेता है साले, जीले बुढ़ऊ, 4 दिन की उम्र बाकी है तेरी, जीले। मैं LKG में पढ़ता था भाई, ये गंडवा मेरे बाप के सामने आके मेरी बेइज्जती करता था, बोलता था बेटा टू का टेबल टू ना हो, बेटा टू का टेबल टू ना हो, तेरी माँ की टूट बोट रही के। इस जल्ले में पता होता था मेरे को टू का टेबल नहीं आता, फिर भी मेरे बाप के सामने मेरी बेइज्जती करता था बैठ सुत्ता। ऊपर से ज्ञान चौधरी की आदत, बात बात में ज्ञान चौधरी, अरे पांडे जी अपने बेटे को जेई का एग्जाम दिलवाओ, पांडे जी IIT करवाओ, अरे इंजीनियर बनाओ, अरे तू चाहता है और अगर किसी की जिंदगी के साथ खेलने का शौक है, जा अपने बेटे के साथ खेल, वो ना तेरी बेटी के साथ मैं खेल दूंगा। बेचारा, पानी पी, पानी पानी, कूल कूल कूल। हे भगवान जी, देखा, लेकिन एक चीज से इसकी बड़ी अच्छी लगी मुझे, एकदम जो अंदर इसके भरा पड़ा है ना, सब मुंह पे बोल दिया इसने। और इसके जो एक्चुअल रिश्तेदार होंगे वो अगली बार से ध्यान रखेंगे इसको कुछ बोलने से, सजेशन करने से। फ्री एडवाइस देते रहते हैं यार, कभी कभी आ जाता है गुस्सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।